साथियों दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माय रिकॉर्डिंग मेरे चैनल के अंदर। और इस बार हम लेकर आए हैं जो इमारत में आप देख रहे हैं वीडियोकॉन D2H का जो रिमोट है, आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या रिपेयरिंग कर सकते हैं अगर इसके अंदर आपके जैसे कि कुछ बटन्स काम ना कर रहे हैं तो किस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर दबाएं जो नीचे रेड कलर का आइकॉन है। चलो खैर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपने इस कवर को उतारना है। अगर आपको अपने रिमोट के अंदर इस एरिए के अंदर कहीं भी कुछ स्क्रू दिख रहा हो तो आप उसे खोल दीजिए, नहीं तो हमने क्या करना है दूसरा स्क्रू उठाना है। और इसको मैंने यहाँ से आराम से दोस्तों बिल्कुल, ताकि झटका ना आए और जिससे आपका रिमोट और ख़राब ना हो। तो यहाँ से मैंने इसको शुरू करता हूँ खोलना। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इसको शुरू किया था। ये मैंने इसको यहाँ से शुरू किया और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे लॉक होते हैं, इस लॉक को होना बहुत ज़रूरी है और बड़े ही आराम से, नहीं तो पूरा का पूरा आपका जो रिमोट है वो डैमेज हो जाएगा। और तो इस तरीके से मैंने इसको रिमोट को ही खोल दिया है। ये पार्ट है जो कि ये वाला अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब क्या है कि दोस्तों मेरे ये बटन ये कुछ काम नहीं कर रहे, बिल्कुल ही सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना आपको। थोड़ा सा ये मैंने पानी लिया हुआ है और मेरे पास एक ये कॉटन है, मैं इसको कॉटन को इस पानी में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर इसको भिगोऊंगा। और उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये वाले, ये तो ये सारे बटन्स हैं। आप इस पर जो आपने अभी तक जो पानी से जो रुई को भिगोया था तो इन सभी के ऊपर आप हल्का हल्का ऐसे ऐसे फेर दें, बिल्कुल ऐसे सभी बटन्स के ऊपर। ध्यान रहे यहाँ पानी नहीं जाना चाहिए इस सर्किट के ऊपर, यहाँ बिल्कुल ये बारीक बारीक कर माइक्रो सर्किट है, इनके ऊपर हल्का फुल्का चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आपने इसको ऐसे किया और यहाँ ये पावर का बटन है सबसे ऊपर, इसको भी आप कर सकते हैं। और याद रहे साथियों कि ये इसको मैंने ऐसे किया, ये यहाँ पर सेंसर होता है ये कैच करने का, इसको इस तरीके से। फिर लेना है आपने एक दूसरा कॉटन और इस चीज़ ये गीला नहीं है, ये सूखा है, इसको जहाँ जहाँ पर आपने किया उसको दूसरी कॉटन से इसको पानी को अच्छी तरह साफ कर लेना है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे बिल्कुल साफ करने के बाद। देखिए अब यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है और आप बस आपको क्या करना है सिंपली, अब अपने जो जो दूसरी चीज़ ये है कि जो गीला कॉटन है जो आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये भी सर्किट का काम करते हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से साफ कर लें। इनको सूखे कपड़े से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सूखे कपड़े से इन सर्किट को अच्छी तरह इन सभी बटन को कर लो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जो बटन काम नहीं कर रहे तो आप समय बचाने के लिए उनको भी कर सकते हैं, नहीं तो सभी को कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी बटन्स को कर रहा हूँ और इसलिए तो मैंने
वन बाय वन लगभग सभी बटन्स को कर दिया है। आप भी वन बाय वन सभी बटन को, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए बस। और अब मैं इसको वापस इसके अंदर इस तरीके से इसको इंस्टॉल करता हूँ ओके कंडीशन में। और यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ सेट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैंने ऐसे डाला और इस तरीके से ये मैंने सेट किया और ये इसको मैं वापस इस तरीके से बंद करता हूँ। ये मैंने बिल्कुल बंद कर लिया है। तो उसके बाद आप जब अपना रिमोट आप यूज़ करेंगे तो जो जो बटन काम नहीं कर रहे थे तो वो बटन काम करने लगेंगे। तो थैंक यू। और लास्ट में मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और किसी अच्छे वीडियो के साथ।